समाचारों की ओर। पाटीदार समाज संगठन खेड़ा के तत्वाधान में गुरुवार को कजरी तीज उद्यापन का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। व्रत उद्यापन का आयोजन पूर्णतः निःशुल्क हुआ। करीब 300 माताएं बहनों ने आयोजन में सहभागिता कर व्रत उद्यापन किया गया। इसके पहले नागजी मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो कराड़ा पीरव डला मंदिर चौक होकर बजरंगबली मंदिर के समीप पहुंची। शोभा यात्रा में सैकड़ों माताएं बहनों ने सिर पर छावड़ी में माता की प्रतिमा लिए हुए चल रही थी। जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। युवा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पंडित जगुनंदन गौर ने मंत्रोच्चार कर पूजन कर व्रत उद्यापन सम्पन्न कराया। व्रत उद्यापन करने वाली माताएं बहनों ने कृत्रिम तालाब के पानी में डुबकी लगाने पर भाई ने निकाल कर नए वस्त्रादि भेंट किए गए। आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, गणमान्य नागरिक एवं सैकड़ों मेहमान मौजूद थे। कजरी तीज उद्यापन को लेकर आप क्या कहेंगे? ये पाटीदार समाज खेड़ा द्वारा जो हमारे पावन गांव है, उन सब की और अन्य समाज की माता बहनें भी जो विवाहिता रहती हैं, 3-4 साल हो जाते शादी को, उनकी उनको ये तीज उद्यापन का व्रत करवाया जाता है। और पूरे गाँव के सहयोग से आज करीब करीब 300 माता और बहनों का ये व्रत उद्यापन का कार्यक्रम हुआ है। पूरे गांव में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। और जो हर बार तो हम लोग जो हमारे यहाँ छोटा तालाब है उस पर इस कार्यक्रम को करते हैं, लेकिन इस बार बारिश कम होने की वजह से और इसमें गटरों का पानी अंदर आने से पानी अपवित्र था, इसलिए कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया। और बड़े हर्ष और आनंद उल्लास के साथ में इस महापर्व का आयोजन किया गया और उसमें सब पूरे समाज जन की सहभागिता रही। पावन सभी समाज बंधुओं को सभी को नमस्कार। पाटीदार समाज संगठन खेड़ा के द्वारा तीज व्रत उद्यापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके लिए समाज जनों ने पिछले 8 दिन से बहुत परिश्रम किया और उनके अथक प्रयासों से ही यह आज कार्यक्रम सफल हो पाया है। इसमें करीब 270 से 80 माता और बहनों ने अपना व्रत उद्यापन किया और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे समाज की पाटीदार समाज की महिलाएं और इसके साथ में अन्य माताएं बहनें भी अन्य समाज से भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई और बड़े आनंद के साथ सभी ने उत्साहपूर्वक समाज के सभी जनों के सहयोग के साथ और उत्साह और हर्षोल्लास के साथ ये तीज व्रत उद्यापन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं समाज को उद्यापन की शुरुआत के लिए सुबह 8 बजे सभी नाग चौतरा पर एकत्रित होकर के पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पर विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और उसके पश्चात एक निर्मित किया गया था शुद्ध जल का, जिसमें भाई और पंडित जी द्वारा पूजन करवाया गया और उसके पश्चात भाइयों ने बहनों को पानी के अंदर ले जाकर डुबकी लगवाई और इस प्रकार से ये जो तीज व्रत उद्यापन का कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ। इसके लिए मैं समाज के और पूरे गांव के और जितने भी अतिथि लोग आए थे जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, उस सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।